नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका दोस्त आदित्य नाचा इंस्पायर टू हिंदी से, और आज हम बात करने वाले हैं ऑनर 9N के बारे में। तो दोस्तों, ऑनर 9N जो है वह फोन ऐसा दिखता है, देखने में काफी बढ़िया लुक है, ऑलमोस्ट ऑनर 9 लाइट जैसी इसकी लुक है। 12 लेयर का ग्लास इसके पीछे लगा हुआ है, जिसकी वजह से इसका बिल्कुल स्मूथ मिरर जैसा फिनिश है। इतना चमकीला है कि इसमें आपको अपना भविष्य भी दिखेगा, और मेरे भविष्य में तो मुझे डिसअपॉइंटमेंट ही दिखाई दे रही है। इसके अलावा आपको इस फ़ोन के लिए एक हार्ड केस टीपीयू कवर टाइप का मिलता है इसके बॉक्स के अंदर, और ओवरऑल जो ये फ़ोन का डिज़ाइन है ऑलमोस्ट प्रीवियस फोन जैसा ही है, पर इस बार इसमें एक नॉच है। नॉच वाली जगह पर आपको फ्रंट कैमरा मिलता है, ईयर पीस मिलता है, सबसे नीचे ध्यान से देखेंगे तो आपको 3.5mm जैक मिलता है, माइक्रोफोन मिलता है, माइक्रो यूएसबी पोर्ट और स्पीकर ग्रिल। इसके अलावा जो ओवरऑल डिज़ाइन है वो काफ़ी हैंडी है इस फ़ोन का। पावर बटन और वॉल्यूम रॉकर जो है वो राइट हैंड साइड पे इस फ़ोन के, और अगर आप पीछे ध्यान से देखेंगे तो फिंगरप्रिंट सेंसर और ड्यूअल कैमरा सेंसर है, और LED फ्लैश भी है। ये फ़ोन जो है एकदम ही फिंगरप्रिंट मैग्नेट है, और इस पे लेफ्ट हैंड साइड पे आपको सिम ट्रे स्लॉट मिलती है, लेकिन सिम ट्रे स्लॉट की एक बुरी बात यह है कि इसमें हाइब्रिड सिम ट्रे स्लॉट है। ऑनर 9N जो फ़ोन है यह किरिन 659 चिपसेट के साथ आता है। ये चिपसेट ऑनेस्टली अब काफ़ी पुराना हो चुका है, ऑनर 9 लाइट में भी यही देखने को मिला था, और मेरे हिसाब से तो इनको ये चिपसेट अब तक बदल देना चाहिए था। डिस्प्ले की अगर हम बात करें तो इस फ़ोन में जो डिस्प्ले है वह 2.5D कर्व ग्लास के साथ आता है, और हाथ में फ़ोन काफ़ी हैंडी लगता है, तो ऐसा लगता है कि 16:9 एस्पेक्ट रेशो वाला ही फ़ोन चला रहे हैं, पर फील तो वैसे ही आती है क्योंकि चिन इसमें इतना बड़ा सा है। सेंसर्स की बात करें तो इसमें सारे वो सेंसर्स मौजूद हैं जो कि आपको चाहिए। कैमरा बेस्ड जो इसमें फेस अनलॉक मौजूद है वो बहुत ही फास्ट है, और हर बार जब हमने टेस्ट किया तो काफ़ी तेज़ी से फ़ोन अनलॉक हो गया। इसके अलावा फिंगरप्रिंट सेंसर भी काफ़ी फास्ट है इस फ़ोन का। यह एंड्रॉयड ओरियो बेस्ड EMUI के साथ आता है, और इस फ़ोन की अगर परफॉर्मेंस की बात करूँ तो मुझे कोई बहुत ज़्यादा खास नहीं लगी, एनिमेशन थोड़े से स्लो से लगे। आइए अब इस फ़ोन के कैमरा के बारे में बात करते हैं। यह 16 MP के फ्रंट कैमरा के साथ आता है जो कि काफ़ी बढ़िया है, और बैक कैमरा 13+2 MP के सेंसर वाला है। कैमरा जो है वह कई सारे मोड्स के साथ आता है, और फुल HD वीडियो रिकॉर्डिंग सपोर्टेड है। ऑनर के सारे मोड्स ऐसे हैं जो यूज़र को आज तक बहुत पसंद आए थे। तेज़ी से चीज़ों पर फोकस करने के लिए PDF टेक्नोलॉजी मौजूद है प्राइमरी कैमरा में, और बोके इफेक्ट जो है वो प्राइमरी और बैक कैमरा दोनों में ही मौजूद है। मैंने काफ़ी सारे सैंपल्स लिए और मैंने ये पाया कि इस फ़ोन का कैमरा सही है, मतलब जो प्राइस रेंज है उस हिसाब से इसका कैमरा काफ़ी बढ़िया लगा मुझे। और आइए अब इसकी ऑडियो क्वालिटी टेस्ट करते हैं। एक स्पीकर होने के बावजूद भी ऑडियो था वो लाउड और क्लियर था, तो वो इस फ़ोन का एक प्लस पॉइंट कह सकते हैं है। और इसके अलावा इस फ़ोन में जो डिस्प्ले है उसकी मेरे को सबसे बुरी बात ये लगी कि नॉच दिया है, और इतनी बड़ी बड़ी चिन भी दी है। जूम टू फिल वगैरह फीचर्स तो हैं ताकि आप ऐप्स को पूरी तरह से स्क्रीन पे भर सकें, और इसके अलावा गेमिंग परफॉर्मेंस की बात करूं तो पबजी जैसी हैवी गेम को आप मीडियम सेटिंग्स पे खेल पाएंगे इस फ़ोन पे, और मैंने ये देखा कि मीडियम सेटिंग्स पे खेलने लायक था। और इसके अलावा एस्फॉल्ट वगैरह आप आराम से चला पाएंगे, पर पबजी वगैरह के केस में आपको मीडियम सेटिंग्स करनी पड़ेंगी। जो इस फ़ोन का बेस मॉडल है वो 3GB रैम और 32GB रोम के साथ आता है, तो मल्टीटास्किंग जो है वो ठीक ठाक है, पर उतनी अल्टीमेट लेवल की नहीं है। 4GB रैम वाला जो मॉडल है वो थोड़ा ज़्यादा महंगा है, और ओवरऑल अगर मैं इस फ़ोन के बारे में बात करूँ तो इसका डिज़ाइन बढ़िया है, कैमरा बढ़िया है, 3000mAh की इसमें बैटरी है जो आप आराम से एक दिन तक चला पाएंगे, क्योंकि EMUI जो है वो बैटरी के लिए बहुत ज़्यादा ऑप्टिमाइज्ड है। लेकिन ओवरऑल परफॉर्मेंस जो है वो बहुत ही ज़्यादा टक्कर की नहीं है, पर जो स्टार्टिंग प्राइस है इस फ़ोन का 11,999, उस पर आपको 3GB रैम 32GB रोम वाला वेरियंट मिल जाएगा, जो कि काफ़ी हद तक ठीक है। पर आपको ये बात ध्यान में रखनी पड़ेगी कि आज की डेट में ओप्पो रियलमी 1 जैसा फ़ोन या फिर और भी कई सारे अन्य फ़ोन जैसे कि जेनफोन मैक्स प्रो M1 उपलब्ध हैं इतने ही सस्ते प्राइस रेंज में, तो उनके खिलाफ ये फ़ोन जो है कुछ मामलों में पीछे रह जाता है। कैमरा में भले ही ये फ़ोन उन सबसे आगे हो, नॉच वाला डिज़ाइन अगर आपको पसंद हो तो आप ये फ़ोन शायद लेना भी चाहेंगे, पर कुछ कुछ चीज़ों में ये फ़ोन पीछे रह जाता है। वैसे देखा जाए तो 19:9 एस्पेक्ट रेशो, प्यारा सा डिज़ाइन, फुल HD+ स्क्रीन रेजोल्यूशन और 79% स्क्रीन टू बॉडी रेशो है तो बहुत अच्छा। और रंगों की भी ऑप्शंस की बात करूँ तो लेवेंडर पर्पल, सैफायर ब्लू, मिडनाइट ब्लैक और रॉबिन एक ब्लू कलर्स में आता है, जिसमें से रॉबिन एक ब्लू कलर मुझे काफ़ी बढ़िया लगा। और इसके अलावा बाकी कलर ऑप्शंस भी काफ़ी बढ़िया है, और शायद से लड़कियों को तो बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो वो सब चीज़ें बहुत अच्छी हैं, फ़ोन देखने में बहुत स्टाइलिश है, फिंगरप्रिंट मैग्नेट तो ये फ़ोन है ही है,
पर आपको ये भी देखना है कि क्या आप एक ऐसा फ़ोन लेना चाहते हैं जिसमें चिपसेट थोड़ा पुराना है, क्योंकि आज की डेट में आप एक नया और एक ज़्यादा हाईली परफॉर्मिंग चिपसेट वाला फ़ोन आराम से इसी रेंज में ले सकते हैं। तो आपको ये सारी चीज़ें सोचनी है और आपको ये देखना है कि क्या आप एक ऐसा फ़ोन लेना चाहते हैं। इसका 4GB रैम और 64GB रोम वाला वेरियंट जो है वो 13,999 रुपये पर उपलब्ध होगा, और 128GB रोम वाला जो वेरियंट है वो 17,999 रुपये पर उपलब्ध होगा। तो ये सब जो चीज़ें हैं इनके बारे में सोच के ऐसा लगता है कि आप बेसिक जो मॉडल है 3GB रैम 32GB रोम वाला उसके बारे में तो सोच भी सकते हैं, पर बाकी मॉडल्स मुझे काफ़ी हद तक थोड़े बहुत ओवर प्राइज लगे। उसके अलावा बाकी सब तो इस फ़ोन में काफ़ी हद तक सही है, कुछ कुछ इसमें ऐसे फीचर्स हैं जो कि काफ़ी बढ़िया है। तो जैसे कि आप अपने फिंगरप्रिंट आईडी से पेटीएम पे का फीचर जो है वन टच पे इनेबल कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें राइड मोड भी है एक अलग से, जिसकी मदद से आप जो है राइड मोड इनेबल करके आप डिस्ट्रैक्शन से बच सकते हैं बाइक चलाते वक्त या कुछ और राइड करते वक्त। और एक पार्टी मोड है जिसकी मदद से आप 6 स्मार्टफोन्स को एक ही मास्टर डिवाइस के साथ कनेक्ट करके सिंक्रोनाइजेशन में म्यूजिक बजा सकते हैं, तो साउंड एक्सपीरियंस बढ़िया हो जाएगा, पर उसके लिए आपको 6 स्मार्टफोन्स चाहिए भी होंगे। तो वही बात है कि ओवरऑल ये फ़ोन जो है वो काफ़ी सही है, पर कुछ कुछ मामलों में फ़ोन पीछे रह जाता है। डिज़ाइन वगैरह सही है, पर अगर आप एक ऐसे यूज़र हैं जो कि लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस देख रहे हैं तो शायद आप ये फ़ोन ना लेना चाहें। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, इंस्पायर टू हिंदी को सब्सक्राइब करें और सतत निरंतर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित रहिए।